अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे इफ्तार स्पेशल चिकन कचोरी की रेसिपी किस तरह से बहुत ज्यादा खस्ता क्रिस्पी बहुत जायकेदार और बहुत ज्यादा लेयर्स वाली कचोरी जो है हम लोग घर में बना सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसी और कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो रेसिपी है वो परफेक्ट तरीके की बनेगी वीडियो का हर स्टेप आपने कंप्लीट देखना है ताकि जब आप इसको बनाने लगी तो आपकी भी ये परफेक्ट तरीके की बने तो शुरू करते इसको बनाना सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने बॉल में दो कप मैदा लिया है यहाँ पे शामिल करना है हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही मैंने अजवाइन शामिल की है चार टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है तकरीबन वन फोर्थ कप है ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है पहले और अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक इसकी नरम सी स्मूथ सी डो तैयार कर लेनी है हमने मैं यहाँ पे डो मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोग हाथों की मदद से भी अच्छी तरह इसको गोद लीजिएगा तो बस हमारी डो जो है तैयार हो चुकी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनी है बस अब हम इसको कवर करके रख देंगे पंद्रह मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे जब तक कि हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं एक पैन लिया है और उसमें शामिल करना है तीन टेबल स्पून ऑइल अब इसमें शामिल करना है एक टी स्पून लहसन का पेस्ट अब लो मीडियम फ्लेम पे हमने लहसन को हल्का सा यहाँ पे सौते कर लेने एक कप मैंने चिकन शामिल किया है चिकन का कीमा यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है अगर आपके पास ये चिकन का कीमा नहीं है तो आप चिकन के जो पीसेज हैं उनको बहुत छोटा छोटा काट के वो डाल दें यहाँ पे अब चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और यहाँ पे मैं शामिल करूंगी नमक हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून हल्दी वन फोर्थ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर एक टी स्पून बस यहाँ पे ये सारे मसाले शामिल करने हैं और चिकन को अच्छी तरह इन मिसालों के साथ भून लेना है अच्छी तरह से चिकन की हमने भुनाई कर ली है और अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी पानी तकरीबन एक कप जितना मैंने यहाँ पे पानी डाला है अब इसको कवर करना है और कवर करने के बाद हमने इसको आठ से दस मिनट कवर करके पकाना है ताकि चिकन का जो कीमा है ये अच्छी तरह पक जाए दस मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और पानी भी यहाँ पे तकरीबन खुश्क हो चुका है कीमा हमारा अच्छी तरह गल चुका है तो बस अब इसको यहाँ पे इतना भूल लेना है ताकि सारा पानी जो है खुश्क हो जाए और साथ ही ये लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी उसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है हरी मिर्चें दो हरी मिर्चें बिल्कुल फाइन चॉप करके थोड़ा सा हरा धनिया अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है बिल्कुल लास्ट में ये चीजें शामिल करनी है ताकि फ्रेश फ्रेश ही रहे ये हमारी स्टफिंग में तो बस हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं दूसरी तरफ हमारी डो जो है पंद्रह मिनट हो चुके हैं बहुत ज्यादा ये स्मूथ हो चुकी है अभी इसको बाउल से बाहर निकालते हैं थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर देना है और एक छोटा पेड़ा बनाना है और इसको रोलिंग पिन की मदद से यहाँ पे बेल लेना है रोलिंग पिन की मदद से इसको पूरा मैंने बेल लिया है पतला सा ही बेलना है बहुत पतली इसकी शीट बना लेनी है अब इसके ऊपर ऑयल लगा देना है ब्रश की मदद से सारा ऑयल जो है यहाँ पे फैला देना है पूरी रोटी के ऊपर यहाँ पे मैंने एक छोटी वाली छलनी ली है उसमें खुश्क मैदा डाला है इस तरीके से मैदा डालेंगे तो पूरी रोटी के ऊपर बहुत अच्छी तरह ये स्प्रेड हो जाएगा अब हाथों से ही इसको हल्का हल्का मैं फैला रही हूँ तो बस अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से अब जो दरमियान वाली जगह है वहां पे भी पहले ऑयल लगा लेना है और फिर इसके ऊपर डस्ट कर देना है खुश्क मैदा अब दोबारा से इसको फोल्ड करना है एक लेयर उठा के दूसरे के ऊपर रख देनी है और सेम वैसे ही यहाँ पे करना है पहले ऑयल लगा देना है और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डाल देना है ये सारे स्टेप हम क्यों कर रहे हैं ताकि जो हमारी कचोरियाँ हैं वो बहुत बर्तदार बने लेयर जो है वो उनकी बाजे आए अब बेलर लेके इसको पहले थोड़ा सा बेल लेना है लंबाई के रुख में ताकि हल्का सा पतला हो जाए और फिर इसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है बिल्कुल एक रोल की शक्ल में इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारी जो कचौरियां हैं उनकी बहुत प्यारी सी लेयर्स बनेंगी अब इसको मैं कट करूंगी दरमियान से एक मैंने कट कर लिया है और इसी के साथ ही एक और कट करेंगे मतलब कि हमने ये जो एक पीस तैयार किया है इसमें हम तीन छोटे पेड़े बनाएंगे और तीन कचोरिया हमारी बनेंगी और ये लेयर्स मैं चेक करवा देती हूँ इसकी लेयर्स चेक करें इसी तरह से जब हम इसमें स्टफिंग करेंगे तो ये लेयर्स जो है बड़ी वाजे हो जाएंगी अब यहाँ पे मैंने सारे इस तरह से लेयर्स वाले पेड़े जो है बना लिए हैं काउंटर टॉप पे हल्का सा ऑयल लगाना है अब एक पेड़ा उठाना है और अब यहाँ पे जब हम स्टफिंग भरेंगे इसके अंदर तब हमने खुश्क मैदे का इस्तेमाल नहीं करना अब ये जो लेयर्स वाली जगह है इसको नीचे की तरफ रखना है पहले तो हाथों से इसको प्रेस करना है फिर बेलन लेके इसको हल्का सा बेल लेना है यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इसको ना तो प्रेस करना है और ना ही बहुत ज्यादा इसको बेल लेना है अब दरमियान में रखेंगे स्टफिंग दो चम्मच भर के यहाँ पे स्टफिंग रखनी है ताकि बड़ी ही मजेदार सी कचोरियाँ हमारी तैयार हो अब ये जो इसकी कॉर्नर है मैं हल्का सा इन पे पानी लगा रही हूँ आप लोग ना भी लगाना चाहें ऐसे चिपकाना चाहें तब भी ये चिपक जाएंगी लेकिन वो एक डाउट रहता है कि शायद ये ना हो कि ऑयल में जाती हमारी कचोरी खुल जाए इनको उठाना है और आपस में इस तरह से इसके एजिस को जोड़ देना है तो बस अब हमने क्योंकि पानी लगाया है तो सारे एजिस जो हैं ये आपस में सील होते जाएंगे तो बस ये ऊपर से थोड़ा सा आटा जो है ये मैं उतार लूंगी क्योंकि ये वाली लेयर फिर बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी और हमें बहुत ज्यादा इसको फ्राई करना पड़ेगा बस ये एक हमने जो शेप है बना ली है तो यहाँ पे मैंने सारी जो है शेप्स तैयार कर ली हैं अब इनको फ्राई करते हैं और फ्राई इनको करना जो है बहुत ट्रिकी है क्योंकि इनको गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना ऑयल ज्यादा होना चाहिए कढ़ाई में कि ये जो कचोरिया हैं ये ऑयल में डिप होनी चाहिए और ऑयल का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए ऑयल आपके सामने है मैं जब इसमें डाल रही हूँ तो बहुत लाइट बबल्स बन रहे हैं तो इतना टेम्परेचर हमने रखना है और फ्लेम यहाँ पे अभी हमने लो पर रखना है मीडियम लो पे भी हमने अभी फ्लेम को नहीं रखना दो मिनट तक इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना हमने जब तक कि ये थोड़ी सी फर्म नहीं हो जाती कचौरी को फ्राई करना एक ट्रिक है एक बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम है क्योंकि इसको फ्राई करते वक्त आपने जल्दी नहीं करनी दो मिनट के बाद एक इस तरह का छोटा चम्मच लेना है और फिर ये ऑयल तो जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता हर कचौरी के ऊपर डाल लें ये स्टेप हम क्यों करेंगे क्योंकि इससे हमारी जो लेयर्स है वो खुल जाएंगी और जैसे ही आपको दिखे कि लेयर्स जो है वाजे हो चुकी हैं, फिर आपने ऑयल डालना बंद कर देना है अभी भी यहाँ पे मैंने फ्लेम को ज्यादा नहीं किया इनको फ्राई करते वक्त बिल्कुल जल्दी नहीं करनी टोटल फ्राई करने का जो टाइम है ये पंद्रह से सोलह मिनट है एक बैच को फ्राई होने में लेकिन जो रिजल्ट फिर उसके बाद आएगा वो हैरान होगा तो ये आपके सामने शायद आपको नजर आए कैमरे में से कि इसकी लेयर्स जो है किस तरह से खुल रही है अभी हमने इनकी साइड्स को चेंज नहीं किया तो बस अब हमने ऑयल डालना बंद कर देना है और अब इनकी साइड चेंज करनी है और यहाँ पे अब फ्लेम जो है थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे लो मीडियम पे रखेंगे फ्लेम को सबकी साइड्स को हमने चेंज कर दी है तो बस अब हल्की आंच पे ही हमने इनको फ्राई करना है अब ऊपर से ऑयल डालने की कोई जरूरत नहीं है जितनी लेयर्स खोलनी थी वो खुल चुकी हैं। अब हमने जस्ट इनको फ्राई करना है जल्दी नहीं करनी साइड चेंज कर करके फ्राई करना है एकदम से इनका कलर ब्राउन नहीं करना लाइटली इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है और यहाँ पे मुझे इनको फ्राई करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं तो बस ये हमारा जो डिजायर्ड कलर है कचौरी का ये आ चुका है और इसकी मैं लुक आपको चेक करवा देती हूँ उम्मीद है आपको इसकी लुक से ये अंदाजा हो चुका होगा कि हमने इसको कितनी एहतियात से और कितनी देर के लिए फ्राई किया है ये चेक करें ना तो ऊपर से ये बिल्कुल जली है और बहुत अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो चुकी है तो बस अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकालेंगे बस ये हमारी बहुत ही मजेदार किस्म की ये कचौरिया जो है तैयार हो चुकी हैं यहाँ पे मैं इनको सर्व कर रही हूँ बहुत ज्यादा खस्ता ये बनी है और एक कचोरी हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे ये इसका खस्तापन चेक करें और ये आपके सामने बहुत मजे की ये लग रही है यकीन है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दुआओं में याद रखें थैंक यू